वही है कि इश्के नबी से रूह को गरमाना चाहिए। हाँ सुभान अल्लाह, सुनेंगे। इश्के नबी से रूह को गरमाना चाहिए। अच्छा इश्क और सुन लो, इश्क जब एक तरफ होता है तो सजा देता है। मास्टर साहब, इश्क जब एक तरफ होता है तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ होता है तो मजा देता है। हाँ, तो इश्के नबी से रूह को गरमाना चाहिए, और जब जब आए नबी का नाम तड़प जाना चाहिए। हाँ तो जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المطين المبين المعين الرؤوف الرحيم عزیزانِ دوستو اور بزرگو حاضرین محفل سامعین و سامعات आइए, मैंने खुतबा के दरमियान बहुत ही मशहूर व मारूफ कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। आइए कि उसकी रोशनी में कुछ जिक्र किया जाए, कबल इसके मुनासिब समझे हम और आप कि सबसे पहले मिलकर के आखाए नामदार मदीने के ताजदार महबूबे रब्बे परवरदिगार तरफ के बोलो मका वाले ला मका वाले सही आए ला मका अनीसे बेकसा हम गरीबों के दर्दमंदा आका व मौला हम सबकी कब्रों में तशरीफ लाने वाले तड़प के बोलो गमों में खुशी के नगमात सुनाने वाले आका व मौला रूह फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अजमत गोहरबार में अपने गुलामी का सबूत पेश करते हुए बावाज़े बुलंद मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्म सल्ली अला سيدنا وشفينا ومولانا محمد مع دليل الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عزیزان دوستو اور بزرگو یہ آپ کا جو جلسہ ہے ایک اللہ کے پیارے ولی حضرت دولت شاہ بابا علیہ رحمت و رضوان کی نسبت پر ہے تڑپ کے بولو سبحان اللہ और निस्बत ही तो मुसलमान को कामयाब कर रही है। सुभान अल्लाह, जिसको निस्बत हुई तो वो मुमताज हो गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिस जिस को निस्बत होती गई वो जमाने में मुमताज होता गया। सुभान अल्लाह, सिद्दीक आए नबी से मिले तो सिद्दीक अकबर हो गए। तड़प के बोलो, उमर आए आका से मोहब्बत हुई तो फारूक आजम बन गए। सुभान अल्लाह, उस्मान आए नबी से निस्बत हो गई तो उस्मान गनी बन गए। सुभान अल्लाह, अली आए नबी से मोहब्बत हो गई तो अली नहीं मौला अली बन करके चमके। सुभान अल्लाह, इमाम हसन आए नबी से मोहब्बत हुई तो हसन मुस्तफा बन गए, और हुसैन को मोहब्बत हुई तो शहीद करबला बन गए। सुभान अल्लाह, गौसे आजम को मोहब्बत हुई तो गौस नहीं गौसे आजम बन गए, और मोइनुद्दीन को मोहब्बत हुई तो हिंद के सुल्तान बन गए, निजामुद्दीन को मोहब्बत हुई महबूबे इलाही बन गए, और कुतुबुद्दीन को मोहब्बत हुई तो गरीब नवाज के खलीफा हो गए, आला हजरत को इश्क हो गया तो अहमद रजा नहीं आला हजरत बन के चमके, और जब मौलाना हशमत अली को मोहब्बत हुई तो हशमत अली नहीं शेर सुन्नत बन करके चमके। तो ये रिश्ता है सुन्नियों का। सुभान अल्लाह, नबी से जिसको जितनी जितना प्यार हुआ जितनी निस्बत हुई वो उतना ही मुमताज होता चला गया। सुभान अल्लाह,
तो ये अल्लाह के वली की निस्बत की महफिल है और मैंने कुरान पाक की जो आयत करीमा तिलावत की है गालिबन ऐसे ही जिक्र के हिसाब से की है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अला इन औलिया अल्लाह, अल्लाह फरमाता है खबरदार, अला इन जो मेरा वली है, ला खौफ, ला कह के कह रहा है कि होशियार हो जाओ। सुभान अल्लाह, होशियार हो जाओ। ला का लफ्ज जब भी आता है तो होशियार कर दिया, ला खौफ, मेरा जो वली है, मेरा दोस्त है, उसे कोई खौफ नहीं। सुभान अल्लाह, बोलो कोई खौफ नहीं, ला खौफ अलैहिम, कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, कोई हुज़्न भी नहीं, ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, और मेरा जो दोस्त वली होगा वो फालतू नहीं होगा, पूरे हाथों में अंगूठियां नहीं पहनता होगा, बड़े बड़े जुल्फे राख करके वो ढोल और मजीरा नहीं बजाता होगा, वो महफिले नहीं रचाता होगा, वो रश्क नहीं कराता होगा। अल्लाह ने कह दिया अल्लज़ीना आमनू, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, मेरा जो दोस्त वली होगा वो परहेजगार होगा, मुत्तकी होगा। परहेजगार होगा, मुत्तकी होगा। अब यहाँ से अल्लाह ने होशियार कर दिया, पढ़ के बोलो अल्लाह ही की बात तो मानेंगे अल्लाह वाले, और अल्लाह वाले ही का जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह। अब एक बात और सुनो, बहुत से लोग पर गला देते हैं, कहते बातें कहीं मिलाद शरीफ ना पढ़त नहीं, दौलत बाबा कहाँ पढ़त नहीं, ऐसे भी लोग है ना, दादे वो मिलाद शरीफ नहीं पढ़ रहे थे, वो तो ख्वाजा साहब को पढ़ रहे थे, मिलाद शरीफ नहीं पढ़ रहे थे, गौसे आजम को अपने याद कर रहे थे, ये मिलाद थोड़ी पढ़ रहे थे, ये तो सहाबा को याद कर रहे थे। सुन लो, और कौन होगी जो गौसे आजम की महफिल को खुदा की महफिल से जुदा करता होगा, गरीब नवाज की महफिल को खुदा के जिक्र से जुदा करता होगा। अबे हमारा अकीदा तो ये है, आला हजरत ने ये अकीदा दिया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ये तो ईमान का नूर है, ईमान का नूर है। अबे आए नहीं जिक्र महबूब नहीं बल्कि जिक्र रहमान है, और आगे फरमा दिया खोल करके साफ कर दिया कि जिक्र नबी हो, जिक्र सहाबा हो, जिक्र शोहदा हो, जिक्र औलिया हो, ये जितने जिक्र होते हैं ये सब जिक्र खुदा है। इंशाअल्लाह ताला जो गुमराह करे कि मजार पे न जाओ, चादर न चढ़ाओ, फूल लेके न जाओ, वहाँ कहाँ मिलता है, वहाँ ईंट और बालू पत्थर है, वो तो चले गए, तुम्हें कहा देने वाले हैं माशाल्लाह। ऐसी कौम बला से बचो। एक चीज और बताऊं आपको, जब हम कह रहे थे कि इनसे दूर हो जाओ, जब आला हजरत ने पैगाम दिया कि जमातियों से दूर हो जाओ तो लोग खफा हो गए। वो जमाती बड़े अच्छे होते हैं, बड़े सजदा नमाज पढ़ते हैं, तब जब जमातियों को पकड़ा सुन्नी ने पहरा के, तू वहाबी है यहाँ कैसे घुस आया, चुप। वो बेचारा गंवार था सुन्नी, चुप हो गया। अरे कहा सुन, सबसे बड़ा मरकज कह रहा था कि वहाँ है मक्का शरीफ में, वहाँ काबा शरीफ है, कहाँ बात सही भाई, काबा शरीफ है, कहा सबसे बड़ा मरकज मदीना शरीफ है, वहाँ अल्लाह के महबूब कह रहा था, फिर अरे बोले यहाँ भगाता है, वहाँ तो हम ही नजर आते हैं, वाह वाह, वहीं का दावा दे करके तुमने गुमराह किया था, अब हम कहते हैं छाती ठोक करके तुम्हारा मरकज अगर वो मक्का शरीफ था, तुम्हारा मरकज काबा शरीफ था, तुम्हारा मरकज मदीना शरीफ था, तुम्हारा मरकज अरब शरीफ था, तो मरकज तो हम भी मारते थे, लेकिन वहां के बल पे फूलते थे, आज अरब शरीफ वालों ने तुम्हें भगा दिया। बोलो भगाया कि नहीं भगाया? ये जितने लड़के हैं मुझे लगता है एक दो को छोड़ दो, सब 4G चलाते होंगे, उठाओ मोबाइल देखो यूट्यूब पे, तो आज से 2 महीना पहले ही अरब हुकूमत ने जमाती को बैन कर दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया मास्टर साहब? बैन कर दिया और ऐलान कर दिया पूरे अरब शरीफ के अंदर कि हर इमाम जुमा के खुतबे में इन जमातियों की तमाम तहकीकात की बात अवाम को बताए, ताकि जमातियों से होशियार हो जाओ।
तब मोदी को खबर मिल गई तो पहले से ताके हुई। तब मोदी ने कहा बन गया। हम तो यही ढूंढ रहे थे कि बड़ा वाला कोविड का सिरिंजा मारे। भागे भागे घूम रहे हो, अरे वो दिन दूर नहीं है कि तुमने गरीब नवाज के आस्थाने से दूर किया है, महबूबे इलाही के आस्थाने से हमें दूर किया है, खुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के आस्थाने से दूर किया है, साबरे पाक के आस्थाने से हमें दूर किया है, वर से पाक की चौखट को शीर पर बिदात कहा है। अरे वो दिन दूर नहीं कि जब मोइनुद्दीन का धंधा तुम्हारे ऊपर चलेगा और इस हिंदुस्तान में निजामुद्दीन का निशान चलेगा। रिसालत उसे मुकद्दस फैजाने हुजूर सरकार सैयदना दौलत शाह बाबा फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा का हिंदुस्तान हुजूर सरकार सैयदना बख्तियार काकी नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक वो समझ लेना इसने कहा, बेशक नहीं समझेगा ठीक होगी कि नाम लेते वहाबी ने कहा हम मजार पे नहीं जाएंगे और जितनी कोशिश होगी नहीं जाने देंगे। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा तू लाख कोशिश कर मैं तुझे अपनी चौखट पे आने नहीं दूंगा और जब भी छठी का उर्स आएगा तो अजमेर में इतना मेला लगा दूंगा कि प्रशासन भी हैरान हो जाएगा। अरे टोपी वाला मुल्ला नहीं जाएगा, दाढ़ी वाला मुल्ला नहीं जाएगा, खाजा हिंद के राजा है चोटी वाले को बुलाएगा। जाते की नहीं जाते, बुलावा देख रहे थे ये किसकी चादर है, ये कांग्रेस की चादर है, वो मुख्यमंत्री धक्का खा रहा है खाजा की चौखट और कहाँ जा रहे भाई तो झक्का मिला, एक धक्का इधर से ले रहा तो उधर जा रहा, उधर से धक्का लग रहा है तो उधर राहुल गांधी करने आए। कहा तुम नहीं जानते, ये दाढ़ी वाला ना जाना, टोपी वाला ना जाना, ख्वाजा को जाना तो चोटी वाला जाना। हुकूमत मिलेगी तो वोटों के बल पे नहीं, हुकूमत मिलेगी तो ख्वाजा की चौखट के बल। तो समझो अपने आप को, तुम सुन्नी मुसलमान हो सुभान अल्लाह, सुन्नी मुसलमान हो, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मौला ने हमें मुसलमान बना के पैदा किया, सब से बोलो सुभान अल्लाह। और बड़ा एहसान ये कि अपने महबूब का उम्मती बना के पैदा किया, और बड़ा एहसान ये कि हमें हिंदुस्तान में पैदा किया, वरना फंस गए होते सीरिया वगैरह में तो समझ में आता। बोलो मोदी 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 बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। उनका खतरनाक है भाई, बोल क्या खतरनाक है, बोल। आज तक तुमने किसी भी चैनल पे देखा कि किसी सुन्नी बरेलवी के मस्जिद या इमाम पे हमला हुआ? बोलो देखा किसी ने? बोलो देखा भाई, हमला तो उसी के ऊपर होगा जिसने इनकी इज्जत पे हमला किया है। तुमने हमला किया शरीयत पे, तुमने हमला किया मिलाद पे, तुमने सलाम को शिर्क कहा, तुमने उर्सों को शिर्क कहा, तो गरीब नवाज ने उसको मोदी को लाके खड़ा कर दिया। जब तक शिर्क और बिदात वाले हिंदुस्तान से जाएंगे नहीं तब तक निजामुद्दीन मोदी को हटाएंगे नहीं। भाई ये कहते हैं ना कि जो मांगो अल्लाह से मांगो अल्लाह ही देगा, जो मांगो अल्लाह से अल्लाह ही देगा। हम तो कहते हैं कि अल्लाह ही देगा। हम कब कहते हैं कि हमें बाबा दौलत बाबा देगा? बोलो कोई सुन्नी कहता है? अच्छा कोई माँ बहन हमारी जाती है मजार पे या हमारे भाई सुन्नी जाते हैं तो ये सोच के जाते हो कि वहाँ हमें दौलत बाबा दही देंगे? बोलो ये सोच के जाते हो कि खोदा लेता है? ये सोच के जाते हो? अरे हम सोच के तो ये जाते हैं, हम गंदे हैं, निकम्मे हैं, गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, पापी हैं, पुरवासी हैं, हमारी नहीं सुनी जाएगी। तो ऐ मौला तू अपने एक प्यारे की बारगाह की सुन ले, वली की सुन ले, वसीला दौलत बाबा का है, जबान हमारी है, चौखट दौलत बाबा की है, हाथ हमारे हैं, अरे दरबार अल्लाह के वली का है और हाजिर अल्लाह का बंदा है। सुन्नी तो यही समझ के मांगता है कि दुआ यहाँ से करेंगे हमारी ना सुनी जाएगी, दुआ अजमेर में जाके करेंगे अरे हमारी नहीं सुनी जाएगी, दुआ दिल्ली में महबूबे इलाही की बारगाह में करेंगे हमारी नहीं सुनी जाएगी, लेकिन हिंद के राजा खाजा की तो सुनी जाएगी। जब खाजा के दर को हम पकड़ेंगे
फल भी आएंगे। अरे हमें तो ना मिलने वाला था लेकिन खाजा ने हमें दिला दिया। यही मामला होता है, फालतू हमारे पीछे पड़े, कहीं कहते उर्स करना हरा, कहीं कहते चादर चढ़ाना सिर, कहीं कहते फोल्डा। अबे हम कुछ करे तो तुझे दर्द क्या होता है, हम करते हैं तो खुशी से करते हैं। एक दिन मुकर्रर है कि फरवरी के महीने में फला तारीख को हम ये उर्से पाक करेंगे। बोलो यही करते हम, इंतजाम हमारा, चावल हमारा, बिरयानी हमारी, कोरमा हमारा, फातहा हम दे, न्याज हम दे, तबर्रुक हम खाए, परेशान टोपी और दाढ़ी वाला मुल्ला काहे परेशान है। इतना परेशान है, इतना निकम्मा है कि आई ग्यारहवीं बड़े पीर के उसको शिर्क बतावे, न्यास का खाना अरे इस मूल्य को मिले तो अरे मांग मांग के खावे। लेने मांगत है रका भी नजदी कैसे सुधरी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान। जी जी जी, खाते तो कभी अगर किसी से मुलाकात होती हो तो बोले यार बिरयानी बन रही है, तो कहेगा फिर तुम फातिया दिलवाओगे, बोला तब फिर फातिया दिलाओगे तो क्या होगा, बोले यार ठीक है तुम फातिया देना बाद में मैं आऊंगा, क्यों बिरयानी तुम लोग बड़ी अच्छी बनाते हैं। अच्छा एक चीज और सुन लो, ये जो खाना होता है इसमें पुराने पाक पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? पुराने पाक पढ़ा जाता है। जिसमें पुराने पाक पढ़ा जाए तो इस्लाम कह रहा है, शरीयत कह रही है कि उस खाने को शैतान अब नहीं खाएगा। भाई आया कि जब खाना शुरू करो तो पहले हाथ को धुल लो, कुल्ली कर लो, फिर जब खाना सामने आ जाए तो पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाना शुरू कर दीजिए। तो जिसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा, खाना शुरू किया, तो शैतान टुकुर टुकुर देखता है लेकिन खा नहीं पाता। इतना बड़ा मंत्र जबरदस्त लग गया कि बस देख के चकरा ही रहा है, मन तो चाहते बिरयानी खाए, मन तो चाहता है उसका कि हम भी हलीम खाएं, मन तो करता है कि हम भी खिचड़ा खाएं, लेकिन वो ऐसा मंत्र मार दिया गया, ऐसा उसमें लकीर खींच दी गई, ऐसी रेखा डाल दी गई कि अब बस देखबे करे टुकुर टुकुर खाए के नहीं मिले। शहद आपने देखा है? शहद, शहद की मक्खी के बारे में अल्लामा रूम रज़ियल्लाहु ताला मसनवी शरीफ में लिखते हैं कि ये शहद की मक्खी जाती है तो मदार के फूल में बैठती है, धतूर के फूल में बैठती है, बोलो बैठती कि नहीं बैठती, फिर अरहर के फूल में बैठती है, फिर कटहल के फूल में बैठती है, और ये सारे फूलों से रस लेती है, और जब रस लेकर के चलती है तो अल्लाह के महबूब पे दरूद पढ़ती है। क्या पढ़ती है? तो दुरूद पढ़ दिया, मक्खी ने गजब कर दिया, वाह कितने कमाल की मक्खी थी, सुभान अल्लाह कितने कमाल की मक्खी, दिमाग वाले। जैसे दुरूद को पढ़ा और छत्ते में रखा तो फिर ऐसा शहद तैयार हुआ, ऐसा लाजवाब तैयार हुआ, ऐसा खुशबू वाला तैयार हुआ कि अगर उसको मरीज को खिलाया जाए तो शिफा मिल जाए, लकवा वाले को दूध में पिलाया जाए तो लकवा खत्म हो जाए, पालिस वाले को खिलाया जाए तो पालिस खत्म हो जाए, जिसका दिमाग कमजोर हो बराबर शहद खिलाई जाए दिमाग उसका तभी तर हो जाए, जिसकी आँख की रोशनी कमजोर हो अगर शहद खिलाया जाए तो आँख में रोशनी आ जाए। हमने कहा मक्खी तूने इतनी अच्छी शहद कौन सी कंपनी से तैयार की, तो मक्खी ने जवाब दिया ओ ना बेकार कि मेरे कारखाने की करावट नहीं है, मेरा काम था हर फूल का रस लेना, ये तो नबी के दुरूद की करामत है। हमने कहा मक्खी फिर अब इसको कौन कौन नहीं खाएगा, कौन कौन खाएगा, तो मक्खी ने कहा जब मेरी शहद निकलेगी तो मदीने के मानने वाला गुलाम खाएगा, जो आका का सच्चा उम्मती है वो खाएगा, जो गौस का सच्चा आशिक है वो खाएगा, जो करबला वालों का खिचड़ा मोहब्बत से खाता है और महफिल सजाता है वो करबला वालों का आशिक खाएगा, जो गरीब नवाज की चादर चढ़ाता है उनकी छठी में हाजिर लेता है घर में उनकी नजरों न्याज करता है, मेरी शहद को वो खाएगा, मेरी शहद को वो खाएगा जो अल्लाह के वली का उर्स मनाता होगा, जो चादर चढ़ाता होगा, जो मिलाद करता होगा, जो सलाम करता होगा, जो दुरूद पढ़ता होगा, और वो नहीं खाएगा तो इन चीजों से दूर होगा। हमने कहा कौन नहीं खाएगा, एक आशिक ने कह दिया कि अगर शहद को रोटी में लगा के कुत्ते के डालो तो कुत्ता नहीं खाता।
कौन नहीं खाता? अच्छा तो कल देख लियो फिर, आज हम बताए थे एक रोटी के टुकड़े में शहद लगाना, लेकिन ओरिजिनल वो एक आंख वाले के कंपनी का रसा मत लगा देना, ओरिजिनल शहद लगाना कुत्ते के डालना, फिर जलेबी का रसा लगा देना फिर कुत्ते को डालना, जलेबी का रसा जैसे पाएगा कुत्ता चट कर जाएगा, लेकिन दुरोध पड़ी हुई जब शहद दोगे तो कुत्ता नहीं खाएगा। पता ये चला जिसमें दुरोध पढ़ा जाए, जिसमें कुरान पढ़ा जाए, जिसमें मिलाद पढ़ा जाए, उसको कुत्ता नहीं खाता, खाता है तो आज के गरीब नवाज। कौन खाता है? बड़ा ऐलान होता है भैया, डीजे आएगा मुल्ला निकाह नहीं पढ़ाएगा। अरे मुल्ला, ये मुल्ला सुधर गया होता ना तो जितना हमारा जाहिल सुन्नी था सब का सब सुधर गया होता, ये मुल्ला वा नहीं सुधरा। डीजे आएगा तो निकाह नहीं, अबे तो भागना तुझे बोला अबे यतने ज्यादा पढ़ावे वाले जी कहा है कि हर बरात पर दो चार खुदे घूमत रहती 1100 में मिले रजिस्टर वो दावे रहती। अगर दो मौलाना आएंगे बारात में तो एक तो जरूर है पन्नी में दाब के लाएगा, अगर थोड़ा लोचा मिला तो सटाका बैठा फटाका पढ़ाया 1100 जेब में डाला जा तू न पढ़ा मैं तो ये चला। अबे आला हजरत का मिशन तो ये है कि हाँ ठीक है हम भी कहते हैं डीजे बजाना, लेकिन डीजे की भी शरारत है। अब मिलाद में डीजे बज रहा है तो जायज है, अगर मजार पे डीजे महफिल में बज रहा है तो जायज है। अब इस तरह से अगर डीजे बजा तो सही और सहूलियत है, लेकिन सुनो तुझे भांगड़ा दिख गया और बगल में वहां भी बैठा है तो नहीं दिखा। अबे दस्तूर तो ये था, कानून तो ये था कि डीजे को भी कहा जाए, लेकिन ऐलान ये किया जाए कि हमारा दर्से अमल आला हजरत का मसलक और शरीयत का हुक्म ये है कि जिस शादी बारात में वहां भी होगा उसमें निकाह न पढ़ाया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये शरीयत भूल के डीजे याद आ गया, डीजे याद आ गया। वहाँ भी खोपड़ी में बैठा है पुप्पा बना, वो नहीं याद आया। वहाँ भी बैठा है खोपड़ी में कुर्सी में बिल्कुल फिट बैठा, रख जल्दी बोटी बोटी दे हड्डी वाली, वो उसको नहीं दिखाती मामू वहाँ बड़ा बैठा है। डीजे दिख गया, सुन लो सुलह कर लियो, पहले मोमिनों का ईमान बचा करके मुसलमान से मोमिन बना दो, डीजे बंद हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजाने हुजूर सरकार सैयदना दौलत शाह बाबा, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मजहरे आला हजरत, तरह तरह के बेशक बोल भी चार ठबोला जो तो तारा माता रकम बेशक तारा माता रकम बेशक वो आपन चमकाव के चक्कर में और वो लंबी लंबी टोपी पाड़ा वगड़ा बांध गया जाएगा, बड़े बड़े झूठ बूझे से जादूगर आया, जादूगर आया वैसे से फुटफुटाता है। अब मजमा लगा, जैसे लगा तो वो तांबे वाली 2 रुपए की जो अंगूठी होती है तुरंत ही 500 के बेच लेता है। वैसे मुल्लाओं का काम हो गया फड़फड़ाते। और बताओ फतवा देखो अंधी, वो अंधा पीसे तो का गूंगा खाए, तो वही कहानी बोल रहा हूँ की कहते हैं कि वहाबी से अगर कोई मिला तो क्या वहाबी हो गया? माशाल्लाह माशाल्लाह, कहते हैं वहाबी नहीं हुआ तो यहू बता के जाके वह हो ही क्या गया? अरे यहू तो बता के जा भाई, दाल बगल में रखी थी, मेहमान आया, मैं मास्टर साहब गोश्त नहीं खाता, मुझे गोश्त कतान ना दीजिएगा, तो फिर वही गोश्त वाला चम्मच दाल में डाल दिए तो फर्क क्या हुआ? वो का फर्क हुआ? अबे अगर वो वहां भी ना हुआ तो हुआ क्या, ये भी तो बता के जा। यही चापलूसी है मुल्लाओं की, आला हजरत ने तो ये कहा है कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या दरसे अमल ते के बाद औ दाइए औ मेरे चले जाओ तुम नजदीक हो जाओ, औ जाओ जाओ एक दिन नहीं रोजे जाके सलाम करो रोजे। अबे रोज तुम करो सलाम तो तुमको पकड़ के बैठाई के एक ठौ मिला, एक और मिला, दो रहे तो 3 बन गए, और 3 थे तो चार, वो तो ढूंढा था कि जल्दी जल्दी सलाम मारत क्या हो, वाह वाह सलाम आए। अबे सुन, पहले नबी की तहजीब है, पहले नबी की तौकीर है, पहले नबी की तौसीफ है, पहले नबी की अजमत है, पहले नबी का वकार है, पहले नबी का कलमा है, पहले नबी की मोहब्बत है, पहले नबी से इश्क है, और इसके बाद फिर और है,
इसके बाद फिर और है आला हजरत ने थोड़ी कहा है कि वहाबी से सलाम करने वाला वहाबी हो जाता है। आला हजरत ने तो बिल्कुल काट ही दिया, कहानी खत्म कर दी कि कोई मतलब ही नहीं। अबे मतलब ही नहीं, जब मतलब ही नहीं तो फिर तू क्यों घुसे ताकि जो मिलता है क्या वहाबी हो जाता है। अच्छा वहाबी नहीं होता, तिनी गई सबसे मिलने वाला मुल्ला है उससे जाके मिलो के वो का हो गया। हम कह रहे थे कि इससे बचो, तो कहती देखा जलन में कह रहे अब वो का हो गया भलवान बन गए, अब वो का हो गया अब जाके मिलो ना वो का हो गया। अब वो कहते कि मजारों में जो चादर चढ़ाते हो वहां जाते हो तो कहा ये अल्लाह वाले सुन के तुम्हारी मुराद पूरी करेंगे। माशाल्लाह जब हम उसकी पोताई लिपाई तो कह रहे थे कि पोताई लिपाई मत देखो अंदर बड़ा दर्द रहा है, तो कहा जलन में कह रहे भड़बड़ाहट मच गई। ऐ सुलह कुल लेख के पुजारियों ये हमारे जो सुन्नी भोले भाले हैं इनको वो बताओ जो तुम्हारे बताने से इनका ईमान बच जाए। अगर ईमान बच गया तो नमाज बचेगी, सजदा बचेगा, रोजा बचेगा, हज बचेगा, ज़कात बचेगा, इबादत बचेगी। आला हजरत ने तो ये कहा है मोमिन वो है जो इनकी इज्जत में मरे दिल से। जब दिल से मरी तो वहाबी से मिली। अगर इमाम हुसैन से दिल से चाहता है तो बताओ यजीदियों के साथ भी सलाम करेगा वो। अगर वो गरीब नवाज का आशिक है तो जो गरीब नवाज की छठी को हराम और शिर्क कहता है वो उस कटमुल्ले से वो मिलेगा नहीं मिल सकता। आला हजरत ने कहा मोमिन वो है जो इनकी इज्जत पे मरे दिल से। मौलवी परेशान, अब पूछो ऐसे मौलवियों से कि भाई कौन है मोमिन बताओ, किसकी इज्जत पे मरे तो मोमिन बन जाए बताओ, तो फिर अब समझ में नहीं आएगा मुल्ला के फंस गए। किसी और ने थोड़ी फंसा दिया, आला हजरत ने फंसा दिया, डाल दिया जाल इश्क का डाल जैसे डाल है दे वो चाहो अंगूरा डाल दे तो भेड़ियो आ जाएगी तो किलो वाली आ जाएगी। आला हजरत ने इश्क का जाल डाल दिया, मोमिन वो है जो इनकी इज्जत पे मरे दिल से। अरे दाढ़ी वाले मुल्ला की, पगड़ी वाले मुल्ला की, गद्दा गद्दी नशीन भालों की, क्या पीर और पीर सादे भालों की, नहीं नहीं इनकी इज्जत पे मरने से मोमिन नहीं बनेगा बल्कि इज्जत उनकी जो अल्लाह का महबूब हमारा नबी है, जो उनकी औलाद हजरत फातिमतुज़्ज़हरा है, जो उनकी औलाद इमाम हसन इमाम हुसैन मुस्तफा है, जो उनकी औलाद इमाम सादिक है इमाम बाकर है, जो उनकी औलाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जो उनकी औलाद गौसे आज़म है, जो उनकी औलाद गरीब नवाज है, इनकी इज्जत पे मरे दिल से। तो दिल से तो वही मरेगा जो ग्यारहवीं शरीफ करेगा, जो इमाम हुसैन का खिचड़ा पका के महफिल करेगा, जो दौलत शाह बाबा का उर्स मनाएगा, जो गरीब नवाज की छठी की न्यास दिलवाएगा, जो इनकी बारगाहों में हाजिरी देगा, वही तो दिल से मरेगा। क्योंकि इश्क का रास्ता मुल्ला के घर से नहीं है, रसूलुल्लाह के घर से है। किसके घर से है? रसूलुल्लाह के घर से। रसूलुल्लाह के घर से अभी तो बरेली के इमाम ने बता दिया, थोड़ा के बोलो इश्क तेरे सदते जलने से छूटे सस्ते। अब ये तभी कि मुल्ला हासुला गुल्ली तो कहा था आला हजरत ऐसे नहीं, ऐसे कह दो आई नमाज तेरे सदके, आए सजदा तेरे सदके, आए रुकू तेरे सदके, आए रोजा तेरे सदके, आए हज तेरे सदके, आए सदका तेरे सदके। आला हजरत ने कहा हर नमाज आएगी, सजदा आएगा, रुकू आएगी, रोजा आएगा, हज आएगा, ज़कात आएगी, ये सब मिल जाएगा पहले मदीने वाले से प्यार तो हो जाए। पहले मदीने वाले से प्यार हो जाए, प्यार हो जाए, जब अल्लाह के महबूब से प्यार होगा तो फिर रमजान का रोजा भी मिलेगा, पांच वक्त नमाज भी मिलेगी, जुमा की दो गाना भी मिलेगी, ऐन के दो गाना भी मिलेगी, फिर ज़कात भी मिलेगी, फिर सदका भी मिलेगा, फिर खैरात भी मिलेगा, फिर उर्से पाक भी मिलेगा, फिर इनकी शकील भी मिलेगी, मुहर्रम का खिचड़ा भी मिलेगा। लेकिन आला हजरत ने कहा आई इश्क तेरे सदके, अगर इश्क नहीं है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, सजदा बेकार, रुकू बेकार, सजदा बेकार, तिलावत बेकार, जिहाद बेकार, रोजा बेकार, ज़कात बेकार, हज बेकार, अगर कामयाब करना है तो मदीने वाले आका से पहले प्यार। बेशक सुभान अल्लाह।
क्या पहले प्यार प्यार क्या पहले मदीने वाले आका से प्यार बेशक। अगर इनका बप्पा सबसे बड़ा जो नाना और दादा था, अगर वो इबलीस अगर प्यार कर लिया होता तो जन्नत से काहे को घूमता दर बदर। प्यार तो नहीं किया और उसने इन्हें भी सिखा दिया कि तुम अच्छा प्यार हम भी करते यो करते हैं, हम प्यार करते हैं तो कैसे करते हैं, हमारा प्यार हमें यहाँ भी कामयाब कर रहा है इंशाल्लाह वहाँ भी कामयाब करेगा। थोड़ा फिर बोलो, हम प्यार करते हैं, हम अपने माँ के कदमों को चूमते हैं तो माँ के माँ को आंखों की निगाहों से देख के माँ समझ के चूमते हैं, हम बाप के हाथों को चूमते हैं तो बाप को अपना वालिद समझ के उनके हाथों को चूमते, हम उस्ताद के हाथों को चूमते, इल्म दीन देने वाला उस्ताद है ये भी एक तरह सा वालिद है इसलिए हाथ को चूमते हैं। फिर साहब आए तो हम ये समझते हैं कि जन्नत का रास्ता ले जाने वाले ये नूर एक रोशनी है इसलिए पीर के भी कदमों और हाथों को चूमते हैं। फिर हम जब चले गए अजमेर शरीफ तो ख्वाजा की चौखट को भी चूमते हैं, अरे हम नहीं जा सके लेकिन ख्वाजा अपने साथ हमें भी लेके चलना। दिल्ली गए महबूब इलाही की चौखट को चूमा, अरे पारा आ गए तो दौलत शाह की चौखट को चूमा और ये समझ के चूमा कि हमने अल्लाह के वली की चौखट को चूमा है। शिर्क कह दिया, बिदात कह दिया, अयो तो चूमा थे ओ गुड्डू की अम्मा गुड्डू कला, ओ मुन्ना की अम्मा मुन्ना कला, ओ गुड़िया की अम्मा गुड़िया कला। तब गुड्डा कहली यऊ चाटे मुल्ला हो चाटे मुल्ला, अब गुड्डावा खाए रहा पार्ले जी बिस्कुट तो मुल्ला के आटा अढ़ी मा लगावे या गलवा मा लगावे। तब मुल्ला चूम चूम के धरे, हमने कहा ना बेकार, अरे हमने खाजा की चौखट चूमी थी तूने शीर पे कहा था, अरे अब गुड्डा का चूमता है तो क्या है। अरे कहा चुप रहो चुप रहो, अरे औलाद है बड़ी प्यार है तो जो अबे ना बेकार है तू अपनी औलाद को चूमता है इसलिए कि वो तुझे अभी भी तकलीफ दे रहा है बुढ़ापे में भी तकलीफ देगा। हम खाजा की चौखट को चूमते हैं, हमें यहाँ भी कामयाब करेंगे हमें वहाँ भी कामयाब करेंगे। बोलो फर्क है कि नहीं, चूमा क्यों है चूमते हम भी हैं फर्क हो गया। अब सुनो सरकारे आला फरमाते ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुपे सस्ते जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह, नबी के प्यार का इतना रोशन चिराग कर लो, इतना ज्यादा दिल को चिराग कर दो, इतना ज्यादा नबी के मोहब्बत में ईमान को रोशन कर लो कि वो आग इतनी भड़कती रहे इतनी भड़कती रहे इतनी भड़कती रहे कि अब अगर हमारे दिल के करीब कोई भी आग आएगी तो वो बुझ जाएगी, कोई भी आग आएगी तो दूर हो जाएगी। इश्क रसूल की शमा से अपने दिल को इतना मुसैया और मुजल्ला रोशन कर लो कि हर आने वाला जहन्नमी आशिक की आंखों को देखे तो दूर भागता हुआ नजर आए। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आला हजरत ने कहा मोमिन वो है जो इनकी इज्जत पे मरे दिल से, हम भी मरे वो भी मरे, हम मरे नबी की शरीयत के लिए अब वो मर गए अपनी हवेली और एसी गाड़ी के लिए, वो भी मरे हम भी मरे, हम मरे रसूल की शरीयत के लिए, हम मरे करबला की दूल्हा की अजमत के लिए, हम मरे फातिमतुस ज़हरा की शान के लिए, हम मरे गौसे आज़म की शान के लिए, हम मरे गरीब नवाज की छठी के खुशी के लिए, हम मरे दौलत शाह बाबा के उर्स की मोहब्बत के लिए। और वो मर गए इनको शिर्क और बिदात करते कहते मर के चले गए, वो चले गए जहन्नम में हम चले जाएंगे जहाँ गरीब नवाज जाएंगे वही ये गुलाम भी चले जाएंगे। तो उर्स करना मत छोड़ना, उर्स करना मत छोड़ना और ये ख्याल रखना कि जब भी कोई मुसीबत दुनियावी हमारे ऊपर लाहक आएगी और फिर कहेंगे या दौलत शाह बाबा बचाओ आपका उर्स मनाने वाले हैं तो कोई आए ना आए कोई आए ना आए, अगर दौलत शाह बाबा ने एक इशारा कर दिया तो तुम्हारा पल्ला भारी हो गया, तुम्हारा पल्ला भारी इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को वलियों को वो ताकत वो कुवत वो अजमत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, मैं आपको एक वाकया बताऊं, सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला का अभी अभी उर्से पाक हुआ और कल शायद 9 तारीख थी कल से उर्से पाक खत्म हो गया सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला।
आज नौ तारीख हुई, आज से उससे बाद माह का खत्म हुआ। सरकारे करीम नवाज रजी अल्लाह तआला, आपने ही तो सुना होगा कि अजमेर शरीफ चलो सुना दो, बता दो कि ना बता दो, बता दो, हर कोई बोलो या रसूल अल्लाह, हर कोई बोलो या रसूल अल्लाह। बस ये दिल में ख्याल रखिए, खाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, सुभान अल्लाह, खाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने, लेकिन दिल से मोहब्बत होता, दिल से, देखिए हर मामला दिल का होता है। और आदमी कहता भी है कि मेरे पक्के साथी तो मेरे सौ दोस्तों, हमने कहा पक्के कितने का, ये कह दिए एक ही दू, अरे सैकड़ा की तादाद बताई, जब मामला पक्के खा गए तो एक ही दू नहीं करे, कहा एक ही दू, देखो मामा एक था थोड़ा खतरनाक है, एक ही सही क्लास में हो, एक ही सही। तो जब एक आप इस एक दिन को अल्लाह की वली और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में लगा दो, सुभान अल्लाह, मोहब्बत में लगा दो, बस लगा दिया अगर, तो अब अगर खाजा का दुश्मन मिले तब उससे लगन नहीं लगेगी, अब उसकी ताजीम नहीं, क्योंकि खाजा से दिल लग गया, जब लग गया तो वहां जाओ तो पता चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर करीब 9 या 10 बार हाजिरी दे चुका है, सुभान अल्लाह। खाजा की छठी में जाओ तो एक एक लोगों को देखो, खड़े हो जाओ एक तरफ, चलने वाले चल रहे पैदल, कोई बिहार से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई आंध्र प्रदेश से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, चला आ रहा है, छाले पड़ गए, क्या पड़ गए, छाले पड़ गए, छालों को देखते हैं और फिर खाजा के गुंबद को देख के आशिक मुस्कुराते हैं, सुभान अल्लाह, और कहते हैं कि रो रो करके कहा पाओ के मेरे छालों ने, रो रो कर ये मुझसे कहा पाओ के मेरे छालों ने, अरे बस्ती इतनी दूर बसाई दिल में बसने वालों ने, ऐसे ऐसे आशिक हमने देखे थे। अभी एक डेढ़ महीना पहले आपने देखा होगा कि राजगढ़ की एक बहुत ही मतलब बहुत ही पैसे वाले मामले, वो औरत घुटनों के बल चल करके स्टेशन से खाजा की बारगाह में, सुभान अल्लाह, कैसे घुटनों से, सिंधी है बहुत पैसे वाले, मामला क्या था, मामला ऐसा ना था, अबे जब तक किसी का मामला नहीं होता तब तक किसी से कोई दोस्ती ही नहीं करते, भाई हर तरह के मामले होते हैं। तो देखिए खाजा की बारगाह वो ये नहीं जानते कि टोपी वाला है कि चोटी वाला है, ये दाढ़ी वाला है कि चंदन वाला है, खाजा से किसको कितने मोहब्बत है उतने वहां मिलने वाला है, उतने वहां मिलने वाला है। उसके कोई औलाद ना थी, उसकी देवरानी थी, देवरानी की एक लड़की पैदा हुई, लड़की पैदा हुई तकरीबन साल या सवा साल की, तो साल सवा साल की बच्ची जो है घुटने ही के टखनों के बल चलती है, खड़ी होती है, गिर जाती है, साल भर का बच्चा। अब उस बच्ची की तबीयत खराब हुई, जब तबीयत खराब हुई कोमा में डाला गया, कोमा में पड़ने के बाद डॉक्टर ने कह दिया इसको घर ले जाओ, क्या कह दिया, तो जब मरीज को डॉक्टर कहते घर ले जाओ तो डॉक्टर का इशारा समझ लो कि ये लाल का निशान हो गया, ले जाओ अब ये दुनिया छोड़ चुकी है, ले जाओ। तब वो औरत जो थी वो औरत कहती है कि जैसे डॉक्टर ने कहा ले जाओ तो मैंने अजमेर शरीफ की तरफ मुंह किया, पे बोलो, जिसके कोई औलाद ना थी यानी उस लड़की की बड़ी अम्मा, कहा मैंने हाथ उठाया रुक किया, ऐ सुल्तान उल हिंद गरीब नवाज, हम आपकी चौखट के भिखारी है, मेरे औलाद नहीं ये देवरानी की लड़की है, मैंने गोद लिया है चाचा, मुर्दा लेकर के नहीं जाऊंगी, जैसे चल के आई थी वैसे चला के लेके जाऊंगी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खुर्से मुकद्दस, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, करामते ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, बेशक हम का समझी है, टोपी है, दाढ़ी है, कुत्ता पैजामा है, वजू करी थे, नमाज पढ़ी थे, ख्वाजा साहब की फातिहा दे दो, या अल्लाह सब जो मैंने पढ़ा लिखा सब को ख्वाजा साहब की बारगाह में सवाब पहुंचा दे, हो गया काम। जब इश्क होता है तो जब आशिक के सामने उसके महबूब का जिक्र करो तो वो आशिक तड़प जाता है, क्या हो जाता है, तड़प जाता है, इश्क ऐसे नहीं आता है, इश्क अगर सीखना है तो आओ हजरत अमीर खुसरो से मिलो, अमीर खुसरो है, सराय घर है, सरकारे महबूबे इलाही के मुरीद है,
वक्त के बादशाह वजीर आजम के, आप जो वजीर आजम थे बादशाह के, और आपको भी दिल्ली की हुकूमत का आर्डर मिला हुआ था, आप वक्त के राजा भी थे, आप सरकार महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। इतना बड़ा इश्क होता था कि शाम के जब सारे काम कर लेते थे तो पीर की चौखट में आते थे, महबूबे इलाही की ज़ियारत करते। हुजूर मुझ फकीर से देर हो गई हो तो माफ फरमा दीजिए। बहरहाल इतना इश्क बढ़ा कि आपने दो तल्ले का रथ बनवाया। कितना? और एक तल्ले में पीर साहब को बैठाते थे, नीचे वाले कुर्सी पे खुद बैठते, फिर रथ घूमा करता था, लोगों को चलन और गुस्सा पीना हो गया। फकीर ऊपर बैठता है, बादशाह नीचे बैठता है, ये तो शहंशाही के खिलाफ है। अमीर खुसरो ने कहा था कि शहंशाही अगर अमीर खुसरो के सर पे है तो किसी और की देन नहीं, ये महबूब इलाही की देन है। एक फकीर आया महबूब इलाही की बारगाह में और सदा लगा दी दरवाजे पे, अल्लाह के नाम से कुछ दे दो, अल्लाह के नाम से। इत्तेफाक होता है कि दीवाने की नजर को ये जहां देख रहा है, दीवाने की नजर को ये जहां देख रहा है, खुदा जाने ये दीवाना कहां कहां देख रहा है। सुभान अल्लाह। अब वो इश्क में सरकार महबूब इलाही ने कहा यार चलो हाजिर कुछ नहीं है, बजाही कुछ नहीं है तो सब कुछ, तो आपने अपनी जूती फकीर को दे दी। क्या दे दी? जूती। ऐसी थोड़ी थी जैसे हम और आप पहनते हैं, जूती अमीर खुसरो ने दी थी जिसमें चांदी और सोने के तार लगे थे, जिसमें अनमोल रतन लगे थे। लेकिन महबूब इलाही ने कहा फकीर को वापस ना करो, बोले बुरा मत मान तो मैं बड़ी कीमती तुझे जूती देता हूँ ले ले। सुभान अल्लाह। और फकीर ने जब देखा तो होशियार था, फटाका लपेटा, सटाका झोला में डाला, फटाका चला। अब वहां से चला तो उस वक्त ये नहीं थे मुसाफिर खाने, उस वक्त सराय बना करती थी। क्या बनती थी? तो मुसाफिर जब देर होती थी तो सराय में जो है वो रात गुजारा करता था। सराय में वो फकीर महबूब इलाही की जूती लेकर के रुक गया और सराहाने रखा। कहाँ रखा? और इत्तेफाक से उसी सराय में अमीर खुसरो आ गए। धर पे बोलो। अब अमीर खुसरो जैसे सराय के दरवाजे पे कदम रखा तो पीर की खुशबू आने लगी। क्या आने लगी? कैसा ही तर था महबूब इलाही का। सुभान अल्लाह। कैसी खुशबू थी महबूब इलाही की, खुशबू आने लगी। अरे सिपाहियों से कहते हैं ढूंढो ढूंढो मेरे पीर की यहाँ खुशबू आ रही है, मेरा पीर यहाँ मौजूद है, मेरे पीर की खुशबू है। जितने सिपाही थे पूरे सराय का चक्कर लगाए, बोले हुजूर यहाँ कोई फकीर नहीं, कोई आपके पीर नहीं, यहाँ हुजूर निजामुद्दीन महबूब इलाही। बोले नहीं, तुम्हारी नजरों पे नहीं लेकिन मेरे दिमाग और मेरे नाक की खुशबू बताती है मेरा पीर नहीं तो मेरे पीर के जिस्म से जुदा की हुई कोई चीज है। अब जो सिपाही थे परेशान हो गए, का झारा लेना शुरू करो, कोई गया हो खानकाह शरीफ सरकार का लेके भाग आया हो। आज जब झारा लेना शुरू किया, एक एक को अलग किया, एक एक को अलग किया तो देखा कि एक फकीर लेटा हुआ है और उसकी तकिया से इतनी खुशबू आ रही है महबूब इलाही की खुशबू की फजाओं से, हजरत अमीर खुसरो मगन नजर आ रहे हैं महबूब इलाही की जूतियों की खुशबू से। वो जब मगन नजर आ गए और कहने लगे अरे इस फकीर के सर के पास से खुशबू मेरे पीर की आ रही है। खड़ा हो गया, बड़ा खौफजदा हो गया, बोला सरकार क्या हो गया? बादशाह सामने है, फोर्स सामने है। सोचा उसने कि लगता है मैं जूती लेके आया और वो बता भी रही थी जूतियां कि ये शाही जूतियां हैं, आज मैं फंस गया, लगता है महबूबे इलाही को किसी ने दिया था और मैं वहां से ले आया, आज मैं फंस गया। सरकार अमीर खुसरो ने कहा अरे ये तो बता थैले में ऐसी कौन सी चीज है जिससे मेरे पीर की मुझे खुशबू आ रही है। तो फकीर ने कहा देता हूँ। कहा क्या है? कहा नहीं दिखलाता हूँ। कहा जल्दी दिखला, झोला खाली किया तो उसमें जूती निकली। क्या निकली? जूती। प्यार करो तो ऐसा करो, इश्क करो तो ऐसा करो, जूती निकली। सुभान अल्लाह। आज का बादशाह होता तो जबरदस्ती खींचवा लेता। देखिए अमीर खुसरो थे, इतना बड़ा इश्क, इतना बड़ा इश्क। अरे आप मिलाद शरीफ करते हो, जब हजरत ने मिलाद शरीफ किया होगा या कोई भी इंतजामिया कमेटी ने तो दरवाजे दे भैया 200 दे मिलाद शरीफ हो दूस हो गए। अरे आज नहीं है कल रहिए, आज नहीं कल ले लेना। आ है जेब में 2000 करोड़ है,
लेकिन 200 रुपया मिलाद कराने, आज नहीं कल ले ले, कल कहते कहते आज हो गए मिलाद, कल सुबह खत्म, अब काहे का तो हो गई है, बोलो तक नहीं। आओ मेरी खुशबू से मिले, तब आपको बोलो छह छगड़ों में सोने की अशरफिया लेके आए थे, कितने छह छगड़े, वो गधे के ऊपर गठी लादी जाती है, छह छगड़े थे, अब छह छगड़े एक छगड़े में 40 किलो होता है, कितना 6 × 24 = 2 क्विंटल 40 किलो हुआ, 2.5 क्विंटल लगभग सोने के शरफिया लदी थी। कहा सुन ये जो जूती तो लिया है ये मुझे दे दे। कहा नहीं नहीं ये तो मुझको महबूबी लाही ने दिया। कहा नहीं ऐसे नहीं लूंगा, ये तो बता इसके बदले तुझे क्या दे दो कि तुम मुझे जूती दे दे। रब ये बोलो, उसने कहा अरे बाप रे बाप, मैं तो जानता नहीं था कि ये पनही भी इतनी कीमती है। फकीर ने सोचा जूती है जूती, तो उसने सोचा अरे बाबा ये मैं कोई मिलेगा कहा भी जूती, वह चमड़े की जूती ले जाओ, कबाड़ी आएगा बोलो कबाड़ वाला तो चमड़े की जूती दो, बोलो लेगा लेगा नहीं लेगा, वही लेगा जो कोई काम की नहीं, वही लेगा जो प्लास्टिक की लेगा फोम की लेगा, जूती चमड़े की नहीं। लेकिन वो फकीर का गजब रे गजब, ये तो मैं जूती समझा था लेकिन ये पैसा देगा। सुभान अल्लाह, क्या है महबूबे इलाही, क्या इश्क है मेरे खुसरू का। फरमाते हैं सुन ये जूती मुझे दे दे और जितना तुझे चाहिए अपनी जबान से बोल दे। अरे बाप रे बाप, फकीर दिमाग लगा ले गए, सुभान अल्लाह, कब मिल जाए, अब इतना मिल जाए कि एक जगह मांग ली तो जिंदगी भर मंगाई कर ना पा रहे, तो कहा से नहीं दूंगा। फकीर वाले कहे जूती लाओ जूती लाओ भाई, तो बादशाह ने कहा अमीर खुसरू ने कहा दे दो दे दो, राजी से देगा ना, राजी से देगा। चबूल कितना लेगा, उसने कहा कि मैं कितना लूंगा का? अरे आपका जो दे दो ले लूंगा। अरे का कुछ तो बोल, तो जान गया कि बादशाह अगर मैं मांग लूंगा जितना मांगूंगा उतना ही मिलेगा। अरे मैं जानता नहीं था कि ये जूती में कितना मिलेगा, ये जूती में कितना मिलेगा। तब वो दिमाग लगा लिया मांगने वाले दरवेश, उसने कहा कि मैं नहीं आप खुद दो, मैं नहीं ये दिल में रखो इन बातों को, इधर से सुनो और चल रही है पछे भाई तो छोड़ दो तो निकल जाए इलाहाबाद, ऐसा नहीं दिल में रखो, मोहब्बत से अगर कुछ किया तो कामयाब, मोहब्बत से कुछ किया कामयाब, मिलाद में बैठे हो तो व्यवहार पे नहीं अल्लाह के महबूब की मोहब्बत में बैठे रहो, इसकी मोहब्बत में, उस महबूब की मोहब्बत में, गौसे आजम की मोहब्बत में, गरीब नवाज की मोहब्बत में, करबला वालों की मोहब्बत में, दौला शाह की मोहब्बत में, अगर व्यवहार कुछ ना देगा इनकी मोहब्बत सब कुछ देगी, सब कुछ देगी। अब उसने कहा मांगने वाले ने आप ही दे दो, तो बादशाह ने कहा सुन के छह ऊंटों पर छह छगड़े सोने की अशरफिया है, मैं तुझे देता हूँ जूती मुझे दे दे। तो उसने कहा बन गया था, यहाँ बन गया वो बन गया, सुभान अल्लाह, महबूबे इलाही में खुश हो जाएंगे और अमीने खुसरू भी खुश हो जाएंगे, मेरे लड़के बच्चे भी खुश हो जाएंगे। छह छगड़े सोने की अशरफिया दे दी और अपने पीर की जूती अपने सर पे रख ली। फिर पहुंचे पीर की बारगाह महबूबे इलाही, जो स्टेशन है निजामुद्दीन औलिया वही है महबूबे इलाही, पहुंचा झूमते हुए पहुंचे, गाते हुए पहुंचे, तराना पढ़ते हुए पहुंचे, और जैसे पहुंचे महबूबे इलाही की बारगाह में जूती पेश की, हुजूर नजराना ले लीजिए, तो महबूबे इलाही ने कहा अरे तूने गलत किया, मैंने तो उस फकीर को नजराने पे दिया था। अरे कहा हुजूर ले लीजिए, मैंने छह छगड़े अशरफियों का नजराना दे करके आपकी जूती फिर से ले आया हूँ। अब महबूबे इलाही ने कहा था कि सरकार की बारगाह में देखना है अगर तो सिद्दीक अकबर को देखो, और अगर महबूबे इलाही की बारगाह में देखना है तो अमीर खुसरू को देखो, और आला हजरत की बारगाह में देखना है तो शेर बेशेर सुन्नत को देखो। ये है इश्क, ये है मोहब्बत, ये चीज बरकरार है तो बेड़ा पार है, तो बेड़ा पार है। हाँ बस वही है, सरकार शेर से सुन्नत फरमाते हैं, खाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, और फरमाते हैं तुम्ही हो बादशाह हिंद रहमत हो गरीबों पर, आपके बोलो सुभान अल्लाह, तुम्ही हो बादशाह हिंद रहमत हो गरीबों पर,
मेरे अजमेरी खाजा है मोइन ने रहनुमा उठिए और मोइनुद्दीन चिश्ती, ये वही सरकारे खाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती है रदियल्लाहु ताला। संजर में पैदा हुए, जब आपकी उम्र शरीफ तकरीबन 15-14 या 13 साल की हुई, वालिद साहब का साया उठ गया। जैसे उठा, आपकी उम्र तकरीबन 15 साल की थी, आपके हिस्से में एक बाग मिला। क्या मिला? बाग मिला और एक पंचक्की मिली। क्या मिली? अब आप बाग में जाते, अंगूर का बाग था, वही बाग में कुरान शरीफ पढ़ते। सुनो, ये हसन मोइनुद्दीन चिश्ती है, जब कुरान पढ़ते थे, परिंदा उड़ना बंद कर रहा है, चरिंदा चरना बंद कर रहा है, हैवान सुन रहा है तो सुनने लगा, हवा भी चल रही है। गरीब नवाज कुरान पढ़ते थे, हवा भी खामोश हो जा रही है, अगर पत्ता हिल रहा है तो वो पेड़ का पत्ता भी खामोश हो गया। गरीब नवाज कुरान पढ़ रहे हैं, इतना ही नहीं, गरीब नवाज फरमाते हैं सवाले के अंदर, मेरी उम्र तकरीबन 15 साल की थी, मैं कुरान पढ़ रहा था, अचानक देखता हूँ कि मेरे बाग में कोई झाड़ू लगाने वाला बाग को सफा कर रहा है, बाग को फ्रेश कर रहा है, मेरी पंचक्की की सफाई कर रहा है। अगर एक भी पत्ता गिरता है, उठाया जा रहा है, एक तरफ रखा जा रहा है। मैं उठा, उठने के बाद मैं करीब गया, मैंने कहा भाई इतनी प्यारी मुझसे दोस्ती है तो तुम कौन हो? मुझे मेरे सामने तो आ जाओ, तुम कौन हो मेरे सामने तो आ जाओ। सरकारे गरीब नवाज ने जैसे फरमाया तो चार जिन्नात आपके सामने आ गए, हाथ जोड़ करके तड़प भी बोलो। मुल्ला जाए या ना जाए, फालतू में हल्ला मत करे। अबे गरीब नवाज चाह लेंगे तो हिंदुस्तान के जिन्नात भी आएंगे, चोटी वाले भी आएंगे, धोती वाले भी जाएंगे, चल चढ़ाने वाले भी जाएंगे, और जिसकी मखत्तर में गरीब नवाज की मोहब्बत होगी वो सुन्नी टना टन बरेलवी भी जाएगा। चार जिन्नात आगे का हुजूर हम है, आइए बताओ तुम्हारा हमार कौन मोहब्बत आए जो तुम हमारे बाग में झाड़ू लगाओ। तो कहा हुजूर आप इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं, तड़प के बोलो, इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं कि हमारा गुजर हो रहा था, आप कुरान शरीफ पढ़ रहे थे तो हम रुक गए, और इतना रुके कि आप कुरान पढ़ रहे हो तो हम खुश हो गए, और यहाँ तक कि हुजूर आप कुरान पढ़ते पढ़ते, आपका कुरान सुनते सुनते हमारा भी कुरान सही हो गया, सुभान अल्लाह, हम खुश हो गए और हम आपसे मोहब्बत कर लिए हैं। ऐ ख्वाजा गरीब नवाज, जितनी भी हमारी उम्र होगी हम आपकी गुलामी में गुजारेंगे, आपकी, अब आप कुरान पढ़ो, इबादत करो, बाकी सफाई हम करेंगे, रखवाली हम करेंगे, अब बाकी देखरेख हम करेंगे। सरकारे गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, आप बैठे बैठे कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, एक दुर्वेश आ गए। कौन आ गए? दुर्वेश आ गए। दुर्वेश आ गए, कितना टाइम हो गया? सलाम पढ़ लिया जाए और 10 मिनट बोल दीजिए, 10 मिनट तरफ के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ देखिए, उम्र 80 की है और दिल इनका जो है 35 का है, ये होना चाहिए। ये इश्क है, क्या है? हाँ इश्क है, ऐसा नहीं, मेहनत हमारी हो रही है, एनर्जी हमारी जा रही है, काला हमारा खत्म हो रहा है। अरे आप तो सुन रहे हो, अगर कुछ सुन के दिल में आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भी बेड़ा पार होगा, आपका भी होगा। फरमाते हैं कि मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था, तकरीबन 15 साल की उम्र थी, एक दुर्वेश आ गए जिनका नाम था इब्राहिम, सुभान अल्लाह, क्या नाम था? हजरत इब्राहिम। दुर्वेश आए, आकर के बैठे, बैठने के बाद मेरी तरफ देखा, देखने के बाद कहा कि बेटा मैं भूखा हूँ, सुभान अल्लाह। क्या कहा? हमें वो अंगूर का बाग था, अगर आपके अमरूद का बाग हो तो वो भगा दो, भगा दो, इतनी मेहनत से फल लगा है और 80 रुपए किलो बिक रहा, तो वो अंगूर का बाग था और गरीब नवाज थे, सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे से बैठाया आपने, साफ करके बेहतरीन आपने वहां पे चटाई डाली, खजूर की बैठाया, इज्जत के साथ बैठाया, फिर आप खुद गए और जो सबसे मीठा अंगूर था, पका हुआ गुच्छे से तोड़ते हैं, पानी से धुलते हैं, धुल करके एक एक अंगूर उस फकीर को दे रहे हैं, लीजिए हुजूर खाइए, लीजिए हुजूर खाइए, लीजिए हुजूर खाइए। अदब देखना है तो मुल्लाओं के पास नहीं, अदब देखना है तो अल्लाह वालों के पास है। गरीब नवाज खिला रहे हैं, तड़प के बोलो और खाओ और खाओ और खाओ।
खाते 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 पेट भर गया, चेहरे की तरफ निगाह पड़ी, निगाह पड़ी का बेटा तेरा नाम क्या है? कड़क के बोलो। खाजा साहब का नाम था हसन। क्या नाम था? हसन। हसन क्या नाम था? हाँ, वो मोइनुद्दीन थे, लकब रसूलुल्लाह ने दिया, सुभान अल्लाह। दीन का मोइन, मेरा नाम हसन है, सुभान अल्लाह। मैं रहने वाला संजर का हूँ, सादात से, अहले बैत से हूँ, सुभान अल्लाह। अब वो फकीर अपने जेब में हाथ डाले, करके बोलो, हाथ डाले, हाथ डाले, हाथ डाले तो आधी रोटी का सूखा टुकड़ा निकाले। क्या निकाले? सूखा टुकड़ा। राजा का कोई अल्लाह वाला आ जाए, हो ले सूखा, रोज ब्रेड खाने वाले का सूखा टुकड़ा बाबा के पास अटक जाएगा। ओ आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे खुद कहे मंगता का भला हो, सुभान अल्लाह। अब वो दरवेश ने रोटी का आधा टुकड़ा निकाला, कहा बेटा ले इसको खा ले, सुभान अल्लाह। तो सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया, हुजूर आप मुसाफिर हैं, आपको कहीं भूख लगेगी तो आप खा लेना। बोले नहीं, मैं अपना खा चुका हूँ, करके बोलो, मैं अपना, ये तो तेरा है, सुभान अल्लाह तेरा। कहा हुजूर कैसे? कहा मेरे पीर ने मुझे एक रोटी दिया था, उन्होंने कहा मेरे पीर ने मुझे एक रोटी दिया, जब मैं कमाल पे पहुंचा तो एक रोटी दिया पीर ने। आज पीर रोटी नहीं देता है, आज पीरन को बुलाओ तो भी बड़ी आफत होती है, बड़ी आफत। एसी गाड़ी वहीं से, एसी वाला कमरा वहीं से, 20,000 भाड़ा वहीं से। फिर अच्छा भाड़ा देना, व्यवस्था करना, ये तो उम्मतों से मेहमान के लिए। फिर फोन से पूछो तो फलाने मौलाना करो, 1,00,000 की कमान है। और तीन दलाल बीच में लगते हैं। पीर सामने रोटी दी, क्या दिया? बोले आधा मैंने खाया, मैं कामिल हो गया, और आधी रोटी मेरे पीर ने कहा, ऐ मेरे मुरीद जेब में रख ले, ऐ इब्राहिम जेब में रख ले, तुझे एक नौजवान, तुझे एक बच्चा मिलेगा, जो वो बच्चा रेगिस्तान में मिलेगा, वो संजर के पास मिलेगा, वो बच्चा बाग में होगा, अंगूर की बाग की रखवाली करता होगा, कुरान बड़ा अच्छा पढ़ता होगा, नाम उसका हसन होगा, आधी रोटी उसे दे देना। तो बोले मैं इसी में तो घूम रहा था, हर बात का चक्कर लगा रहा था, और आज जो मिला है ये रोटी तेरी है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, जैसे मैंने रोटी का एक लुकमा खाया, एक टुकड़ा खाया, और जैसे गले से नीचे गया तो दिल की दुनिया बदल गई, सुभान अल्लाह। क्या बदल गई? दिल ने कहा हसन पीर ढूंढ, सुभान अल्लाह, पीर ढूंढ, पीर ढूंढ, पीर ढूंढने के लिए हजरत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हो निशापुर की सरजमीन पहुंच गए, और उस वक्त के गौसे समा हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी तशरीफ फरमा थे, पहुंच गए, पहुंच गए हल्के में। पहुंचने के बाद जैसे आपके मुर्शिद मुर्शिदे कामिल वक्त के गौसे जमा ख्वाजा उस्मान हारूनी की निगाह हसन मोइनुद्दीन चिश्ती की पेशानी पे पड़ी, बेटा करीब आ जा, करीब आ जा। अच्छा तेरा नाम हसन है, सुभान अल्लाह, तू सादाते किराम से है, फला जगह का रहने वाला, हुजूर हां किस लिए आया? पीर की तलाश में आया। अच्छा ले बेटा इतना वजीफा पढ़, मेरे पास आ, सुभान अल्लाह, वजीफा पढ़, आज पीर के पास जाओ, कितना नजराना बाद में, कितना पैसा वाला है फिर बाद में, कितना बड़ा सेठ है फिर बाद में, अरे उन अल्लाह वालों से मिलो, ऐ मोइनुद्दीन ये पढ़। पढ़ने के बाद बेटा इधर आ, इधर आ करके फरमाया, बेटा मेरी दो आंखों दो उंगलियों के बीच से ऊपर आसमान की तरफ देख, आसमान की तरफ देख। जब मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने अपने मुर्शिदे कामिल की उंगलियों के बीच से आसमान की तरफ देखा, पीर ने कहा मोइनुद्दीन क्या दिखता है? फरमाया हुजूर आसमान दिखता है। कहा फिर बैठ जा, फिर से ये चीज पढ़, फिर वजाए बताए। फरमाते मैं पढ़ता रहा, फिर निगाह उठी बेटा करीब आ, फिर से उंगली उठाई, कहा बेटा उंगलियों के बीच से ऊपर देख। मैंने जैसे देखना शुरू किया, पीर ने कहा बेटा अब क्या दिखता है? फरमाया हुजूर अरे उंगलियों के बीच से लोहे महफूज दिख रहा।
बेशक लिख रहा है, पकड़ो इस तत्हीर को तत्हीर यू, ये कहते हैं नबी पे बस है। अरे माता गई तो ये लिखता है कि मैं देख रहा हूँ, बहुत देखा थे पढ़ा थोड़ा थोड़ी है, कहता मैं देख रहा हूँ, दरमियान उम्मत में लिखा मैं देख रहा हूँ कि जब से मजारों को छूने छूमने सजदा का रिवाज बढ़ा। अब देखिए सजदा गैरुल्लाह का हराम, मास्टर साहब क्या हराम और चूमना जायज, अब जायज हराम को एक साथ कर दिया, जायज हराम को बोलो जहाँ आग है वहां पानी डालो तो आग रहेगी कि जाएगी, बोलो जाएगी कि नहीं, अब वहीं पर जो है जायज वहीं पे हराम एक साथ कर दिया। और फिर कहता है कि जब से भीड़ बढ़ी तो गैरों की भीड़ यानी गैर, ये गैर कोई भीड़ बहुत बड़ी है, अभी ये तुझे परेशानी है, अरे खाजा जिसे चाहे उसे बुलाएंगे, तेरी नानी क्यों मर रही है। तू क्यों बीच में आ गया, ये तो खाजा का मामला है, तो चाहे टोपी वाले को बुला चाहे चोटी वाले को बुला, अबे जिसकी अटकेगी वो जाएगा, वरना खाजा को जरूरत नहीं है, हमें खाजा की जरूरत है। सुभान अल्लाह, फरमाते बेटा देख, देखा तो क्या फरमाया, लौहे महफूज का बेटा कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह, क्या कहा, कामयाब का बेटा, नीचे देख दो उंगली, बहुत दूरबीन लगाओ इतना चांद आया कि नहीं आया, तो कौन 28 दिन में ईद मनाई, कौन 27 दिन में ऐलान कर दी, अब बहुत तेरे तो टंगा वाले काजी वो मदीना शरीम हो गया, कल कर ईद जल्दी से मनी खा, और रोजा जाए चाहे ना जाए जल्दी खा, ऐसा लग रहा है जैसे जेल में फंसे रहे तो जमानत दे तो बड़ी तेजी से भागा रहे, जल्दी दिल सुनो तुम्हारी दो नींद चांद नहीं बता भाई, और खाजा साहब के पीरो मुर्शी की दो उंगलियों की दूरबीन जो है तहतुस सरा और अर्शे आजम दिखला रही है, अरे जब अल्लाह के वली गरीब नवाज के पीरो मुर्शी खाजा उस्मान हारूनी के दो उंगलियों का ये आलम है तो मदीने वाले ताजदार का आलम क्या होगा। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत, अख्तियारे मुस्तफा, फैजाने मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर, मजहरे आला हजरत। सुभान अल्लाह, तो मेरे कहने का मकसद ये है एक अल्लाह को अल्लाह ताला ने एक अपने वली को ताकत दे दिया कि बोलो भाई महफूज भी दे सकता है, तातू सारा सातों जमीन भी देख सकता है। जब गरीब नवाज ने इतना देखा तो सरकार खाजा उस्मान हारूनी ने कहा बेटा अब चल मक्का शरीफ, आते बोलो हजे बैतुल्ला करवाया, हजे बैतुल्ला करवाने के बाद खिलाफे काबा थामा। सुभान अल्लाह, पीर ने किसने आवाज का पीर तो नजराना मिला तो साथ में वरना तू अपनी तरफ ये भाग गया, मुरीद किए अर्शे आजम दिख रहा है, तातू सरा दिख रहा है, हाथ पकड़ा काबे शरीफ से, काबे का तवाफ किया, हिजाबे काबा गिलाफे काबा, काबा का जो गिलाफ पड़ता है हाथों से थामा, हाथों को उठाया पीरो मुर्शिद ने, मौला मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ तू भी हसन से मोहब्बत कर ले, हसन को मैं चाहता हूँ मौला तू इसे कबूल कर ले, खैर से आवाज आई ऐ उस्मान हारूनी अरे तूने मोहब्बत किया है हमने हसन को कबूल कर लिया है। अब चाहे वक्त की हुकूमत टकराए तो ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, चाहे वक्त का पावर टकराए ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुमने सुना होगा 2002 में ख्वाजा की चौखट पे तीन तीन बम लगाए गए थे, लेकिन तीनों बमों को दस्ते बम ने डिस्पोजल कर दिया, कोई बम में वो ताकत ना थी जो ख्वाजा की चौखट को उड़ा सके, ऐसा बम ही पैदा नहीं हुआ। ये अताए रसूल हैं, अल्लाह की बारगाह में कबूल होके आए हैं, इनसे मोहब्बत करोगे तुमसे जमाना टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। मोहब्बत करके तो देखो ख्वाजा गरीब नवाज है, एहसान है हम सुन्नियों पर कि हम ख्वाजा की चौखट नहीं छोड़ेंगे, इनका दामन नहीं छोड़ेंगे, हम अंधेरे में थे ख्वाजा आ गए तो हम उजाले में आ गए, ख्वाजा आ गए तो इस्लाम मिल गया, ख्वाजा आ गए तो हम रुकू वाले सजदा वाले नमाज वाले हो गए, अगर ख्वाजा
को रसूलुल्लाह ना भेजते, खुदा जाने हम कहां पे माथा टेकते हुए हुए नजर आते। एहसान है ख्वाजा गरीब नवाज का। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मौला ताला हम सबको इन वलियों की अजमत अता फरमाए, इनकी मोहब्बत अता फरमाए, इनके दुश्मनों से दूरी अता फरमाए। तमाम सुलह कुल टपोरी मौलवियों से मौला ताला इनके शर मकरो फरेब से हमें और सब सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात को महफूज व महमूद फरमाए। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कहीं नहीं महरूम कहीं मांगने वाला तेरा, तुम ही हो बादशाह हिंद, रहमत हो गरीबों पर।